इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। चारों तरफ एक कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है, जलती लाशें और मौत से लड़ती जिंदगियां देखी जा रही है, लेकिन कई सारी ऐसी भी जिंदगियां हैं जो सड़क पर दम तोड़ रही हैं, जिनकी तरफ हमें देखने के लिए वक्त भी नहीं है और तवज्जो कोई देना भी नहीं चाहता। लिहाजा हमारे पीछे देख सकते हैं कि एक शख्स है, एक बुजुर्ग शख्स, और उसके पाँव में जो है बहुत गहरा जख्म है और ऐसा लग रहा है कि वो मौत के करीब करीब है, लेकिन इसे यहाँ पर देखने वाला भी कोई नहीं है और यहाँ से उसे जेर इलाज ले जाकर करने वाला भी कोई नहीं। जरूरत है कि या ऐसे लोगों को, रात के 12 बज चुके हैं और ये खड़े बाजार का एरिया है जो मसरूफ तरीन इलाका कहा जाता है बेलगाम शहर का, लिहाजा इस मरीज को देख सकते हैं, एक बुजुर्ग है और वो मौत के इंतजार में है। उसके पाँव के गहरे जख्म ये बता रहे हैं कि बहुत दिन तक वो जिंदा रहने वाला नहीं है, लिहाजा यहाँ से अस्पताल ले जाकर उससे ज़रूरत है इलाज की, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। कोशिश जारी है, कई सारे नौजवान भी हैं यहाँ पर जो है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से यहाँ पर एम्बुलेंस आए और उन्हें ले जाकर इनका इलाज करें। देखते हैं, कुछ देर और इंतज़ार करते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह। मैं अकीब व्यापारी का सेवा फाउंडेशन से इधर अपना बेलगाम के सिविल हॉस्पिटल में आया है। मुझे जो है सेवा फाउंडेशन को अपना रमज़ान भाई और अपने इम्तियाज़ भाई करके है, अपना बेलगाम के रहवासी है, हमें ये इत्तला दिए कि एक बुज़ुर्ग आदमी है जो अपना मार्केट पुलिस स्टेशन के सामने जो उधर पे अब कैंप क्या के पुरोहित सुटमाट है उधर पे एक आदमी के लेटा हुआ था, लेकिन वो आदमी की जो है ना वो एकदम कंडीशन बहुत लो है, उसका वो लेग में इंजरी है, एकदम जम्स एंड ऑल क्या बहुत है कि कंडीशन एकदम ख़राब है। तो हम लोग से सब लोग मिल के, हमारे क्या बहुत सारे भाई इधर पे ऐसे साथ में आए हैं, मिल के हम लोग इधर से सिविल हॉस्पिटल में 108 को हमने कॉल किया और मिल के हॉस्पिटल में आए हैं, और इधर पे क्या डॉक्टर लोग भी हमको अच्छा साथ दे रहे हैं उसका ये करने के लिए, वो भी एक अच्छे इरादे में एक अच्छा कोशिश के चलाया है। लेकिन गवर्नमेंट से हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि अभी क्या हमको अंदर के डॉक्टर्स ने बोला कि सब के कोविड के लिए इधर पे जो जगह इनके ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा ज़रा ये होगा सर बोल के बता रहे हैं, लेकिन सर हम गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कोविड के लिए तो हमें के परेशानी हो रही है ही है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी हमें कुछ एक इंतज़ाम क्या करवाना चाहिए गवर्नमेंट को।